तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JD कंप्यूटर में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, हम जब भी आती न्यू जानकारी के साथ आते हैं, तो आज हम फिर हाजिर हुए एक और न्यू जानकारी के साथ, एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए यहाँ से सब्सक्राइब और कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस, ताकि इसी तरीके से हम जो भी नया वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, बात करेंगे न्यू जानकारी न्यू अपडेट। दोस्तों आप सभी कैंडिडेट को पता है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अंतर्गत जो आपके फॉर्म भरे गए थे, उसकी आंसर शीट दोस्तों यहां पर आ गई है। और समथिंग दोस्तों यहां पर सभी ने आंसर शीट मिला ली होगी। आंसर शीट में दोस्तों जिन कैंडिडेट के नंबर अच्छे आए हैं, तो वो टाइपिंग स्टार्ट कर चुके हैं डिक्टेशन वाला, और ये आपकी 35 शब्द प्रति मिनट की गति से जो आपका डेस्कटॉप पे आपका पेपर या टाइपिंग होना है। तो चले दोस्तों, उससे संबंधित दोस्तों टाइपिंग से संबंधित सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम आपको पूरी फुल इन्फॉर्मेशन बताएंगे, ज्वाइनिंग तक की पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपके बहुत ही काम की ये वीडियो होने वाली है, आपके सारे डाउट यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम इसके नोटिफिकेशन के अनुसार चलते हैं। तो नोटिफिकेशन के पेज नंबर 11 से इसकी हम बात करते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम अभ्यर्थियों के प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर बनाया जाएगा। तो दोस्तों जो आपका रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपका जो रिजल्ट आना है, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के साथ साथ दोस्तों यहां पर जो आपके लिए इसका रिजल्ट आएगा 1/3 के रेशो से। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, 1/3 मतलब एक पोस्ट पर तीन कैंडिडेट को, प्रत्येक अभ्यर्थी को यहां पर बुलाया जाएगा और तीन अभ्यर्थी यहां पर एक पोस्ट पर फाइट करेंगे मेरिट के अनुसार। मेरिट के अनुसार का मतलब दोस्तों यहां पर देख लीजिए, अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए न्यूनतम अंक के अधीन सफल घोषित किया जाएगा तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को भी सफल घोषित किया जाएगा। मतलब 1/3 से भी दोस्तों यहां पर एक से अंक यदि आपके माने उसमें रहते हैं मेरिट में, तो और आपको एक से तीन भी, तीन की जगह चार भी लोग लिए जा सकते हैं इसके नोटिफिकेशन के अनुसार। तथा सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे पास की, मेरिट जितनी भी जाएगी, लेकिन पास आप तभी माने जाएंगे जब आप 45% कैंडिडेट जो हैं OBC और जनरल वाले 45% नंबर लेके आएंगे। SC ST के जो कैंडिडेट हैं उनको 40% का बाउंडनेशन यहाँ पर रखा गया है। यदि आप 40% मार्क्स लाते हैं तभी आप यहाँ पर माने जाएंगे कि आप पास हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट में। तो ये तो रहा पोस्टों का, पोस्टों का विवरण किस तरीके से रहेगा। पोस्टों के विवरण में आपको सबसे पहले 1/3 के हिसाब से मेरिट के अनुसार बुलाया जाएगा। अब बात करते हैं मेंस की, जो आपकी परीक्षा होना उसकी बात कर लेते हैं। तो मेंस की जो परीक्षा रहेगी दोस्तों उसकी हम बात करेंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से निर्धारित तिथि तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन मय शैक्षणिक व आहर्तकारी दस्तावेज मंगाए जाएंगे। तो दोस्तों जो आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में आपको एक डेट दी जाएगी, डेट देने के बाद आपको एक प्रारूप दिया जाएगा, प्रारूप इनकी वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और वो प्रारूप आपको मय शैक्षणिक योग्यता अर्थकारी परीक्षा दस्तावेज के साथ आपको फॉर्म के साथ भेजना मंगाए जाएंगे। जिस अभ्यर्थी को उनसे संबंधित जिला एवं सत्र न्यायालय में प्रेषित करना होगा। तो दोस्तों जो आपका फॉर्म रहेगा, जो आपके डॉक्यूमेंटेशन रहेंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको लगाना है, जिसकी जानकारी पृथक से उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र, जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट का कहना था कि यहाँ पर फॉर्म कब भेजा जाएगा, तो जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तब आपसे यहां पर डॉक्यूमेंट मंगाए जाएंगे हार्ड कॉपी में। अभ्यर्थियों के अपने दस्तावेज, अपने आवेदन पत्र के साथ मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन फॉर्म के प्रिंट की प्रति को भी संलग्न करना है, आपका अति आवश्यक रहेगा। तो दोस्तों इस चीज का भी ध्यान रखिए, यदि आपके पास फॉर्म का प्रिंट नहीं है तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद दोस्तों यहां पर जो आप रिजल्ट में जाएंगे, रिजल्ट वाले सेक्शन से आप अपना जो फॉर्म है दोबारा से आप ये प्रिंट निकाल सकते हैं। इस चीज का भी आप यहाँ पर ध्यान रखें, आप यहाँ पर प्रिंट यदि आप चाहें तो आप इसको निकाल भी सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, आवेदन पत्र को दस्तावेजों का परीक्षण किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं उन्हें अपात्र किया जाएगा, जिसकी सूचना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर आपको प्रदर्शित की जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, जो आपके डॉक्यूमेंट है वो आप डॉक्यूमेंट जरूर ध्यान रखें यदि आपके पास ये चीज़ नहीं है। अब आपको दोस्तों यहाँ पर लगाना क्या क्या है डॉक्यूमेंटेशन में, जो आप पहले से ही इनको कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट में सबसे पहले दोस्तों यहां पर आवेदन पत्र, जो आपने फॉर्म भरा है, समस्त दस्तावेजों की स्वास्थ्य प्रमाणित छाया प्रति,
मतलब जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे, एक चीज़ का ध्यान रखें, पिछली बार के समय में जिन कैंडिडेट ने सेल्फ अटेस्टेड नहीं किए थे डॉक्यूमेंट, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। चाहे आपके नंबर 100 में से 100 हों या 90 हों या 95 हों, कितने भी नंबर हों, यदि आप स्वप्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट नहीं भेजेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट भी हो सकता है। एवं दो कलर फोटोग्राफ जो आपने, ध्यान रखें, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म में लगाए थे के साथ लिफाफे में रखकर भेजे जाएंगे। उक्त लिफाफे पर अपनी श्रेणी पद ग्रुप का नाम स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा। जो भी आप फॉर्म भरेंगे वो आपको फॉर्म यहाँ पर भेजना है। फॉर्म भेजने के जो आपका फ्रंट का लिफाफा रहेगा उस पर आपको ये सारी जानकारी देना है कि आप किस पोस्ट के लिए हैं, किस ग्रुप के लिए हैं, ग्रुप पोस्ट और BC जो भी है। आवेदन का प्रारूप मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। आवेदन पत्र परीक्षा सेल द्वारा निर्धारित की गई तिथि के आवश्यक रूप से संबंधित प्रधान जिला सत्र न्यायालय के पदनाम से संबोधित करते हुए जो आपका एड्रेस रहेगा उनके नाम से व्यक्तिगत रूप से आप स्वयं जमा करा सकते हैं या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से उक्त जिला न्यायालय में जमा करना होगा। वे अभ्यर्थी जो डाक द्वारा अपना आवेदन प्रेषित करना चाहते हैं, ध्यान रखें, जो यदि आप स्पीड पोस्ट से भेजना चाहते हैं, वे अंतिम तिथि जो भी निर्धारित की जाएगी कि कम से कम 7 दिवस पूर्व आवेदन भेजें। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर यदि आपकी डेट 10 तारीख है तो आपको 1 तारीख को ही भेजना पड़ेगा या फिर आपको 3 तारीख को ही भेजना पड़ेगा। मतलब 7 दिन पहले आपको प्रेषित जरूर करना है वहाँ पहुँचने का जो भी रहेगा, लेकिन प्रेषित आपको 7 दिन पहले ही करना पड़ेगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को निरस्त माना जाएगा, भले ही विलम्ब डाक विभाग द्वारा किया गया हो, लेकिन विलम्ब उस समय पर माना जाएगा दोस्तों जब आप उसी डेट की लास्ट डेट पर भेजेंगे। 7 दिन पहले भेजेंगे तो आपका बाकायदा यहाँ पर पहुँच जाएगा। यदि नहीं भी पहुँचता है तो यहाँ पर वो आपको मान्य करा सकते हैं, लेकिन 7 दिन पहले ही आपको यहां पर भेजना पड़ेगा। आवेदन पत्र वांछित दस्तावेज प्राप्त नहीं होने की दशा में अभ्यर्थी की अभ्यर्थता को निरस्त किया जाएगा, असंबंधित निरस्त मानी जाएगी। उक्त संबंध में प्राप्त होने वाले आवेदन विचार नहीं किया जाएगा, संक्षिप्तता है निरस्त कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे नेक्स्ट में, तो आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता से संबंधित स्वप्रमाणित दस्तावेज की छायाप्रति प्रेषित किया जाना अति आवश्यक है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। स्वप्रमाणित छायाप्रति आपको लगाना अति आवश्यक है। यदि किसी अभ्यर्थी के पास समस्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं है अथवा वह अपने आवेदन के साथ वांछित दस्तावेज संलग्न नहीं करता है तो उसे उस छात्र को अपात्र घोषित किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी को पात्र किए जाने एवं चयन सूची में स्थान दिए जाने के संबंध में किसी भी प्रकार का अभिवादन स्वीकार नहीं किया जाएगा। नस्तीबद्ध कर दिया, भले ही अभ्यर्थी मेरिट के आधार पर चयनित क्यों ना हो रहा हो, वही चीज़ मैंने आपको बताया दोस्तों, चाहे आपके 100 में से 100 नंबर आए, 90 नंबर आए, कितने भी नंबर आए, यदि आप ये नहीं करते हैं तो आपका यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपके पेपर के संचालन की, कि पेपर आपका कैसा रहेगा। तो मुख्य परीक्षा सभी पदों की मुख्य परीक्षा 100 अंकों की होगी, चाहे आप स्टेनो वाले हो, स्टेनो टाइपिस्ट वाले हो, या फिर इंग्लिश नोइंग वाले हो, या फिर सहायक ग्रेड 3 वाले हो। मुख्य परीक्षा की तिथि की सूचना पृथक से उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर दी जाएगी। तो समथिंग दोस्तों यहाँ पर डेट का जो लोग मान रहे हैं कि एक्सपेक्टेड डेट कितनी रहेगी, तो यहाँ पर आपके लिए ये मान के चले कि आप अप्रैल मई के लास्ट तक दोस्तों यहाँ पर आपका एग्जाम हो सकता है। और रिजल्ट की बात करते हैं तो 10 से 15 तारीख के बीच में दोस्तों यहाँ पर संभावना है रिजल्ट आने की, क्योंकि JJE का पेपर 17 अप्रैल को है। यहाँ पर आपसे फॉर्म मंगाए जाएंगे, 15 दिन का आपको समय दिया जाएगा। मान लीजिए यदि आपका 15 तारीख को ही रिजल्ट आता है तो 15 से वो डेट शो करेंगे तो 30 तारीख तक आपको देंगे, 30 तारीख तक आप फॉर्म भेजेंगे, स्क्रूटनी होगी, 10 अप्रैल तक आपकी स्क्रूटनी हो जाएगी, 10 अप्रैल के बाद आपकी फाइनल डेट दी जाएगी। तो मई के लास्ट तक दोस्तों यहाँ पर आपका पेपर 100% हो सकता है मई के लास्ट तक। इसकी डेट बढ़ भी सकती है, लेकिन मई के पहले आपकी डेट नहीं आने वाली है, आपको यहाँ पर 2 महीने से ज़्यादा समय दिया जाएगा। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा केंद्रों की, तो मुख्य परीक्षा के जो आपके रहेंगे मेंस के पेपर, मुख्य परीक्षा केंद्र जिला न्यायालय के माध्यम से निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर एक या एक से अधिक पालियों में की जाएगी। जिला परीक्षा केंद्र तथा परीक्षा पाली शिफ्ट के बारे में परीक्षा स्थल उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर परीक्षार्थियों की संख्या की जो केंद्र की क्षमता को देखते हुए अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उक्त संबंध में किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी आपत्ति कराने का अधिकार नहीं रहेगा कि हमारा सेंटर कब आया है, हमारा सेंटर कहाँ आया है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखें, आपको यहाँ पर कोई भी अधिकार नहीं दिया जाएगा कि आप अपना सेंटर चेंज करा सकते हैं। इस बाबत अभ्यर्थी से प्राप्त आवेदनों की संक्षिप्तता नस्तीबद्ध कर दिया जाएगा। यदि किन्हीं
कारणों से मुख्य परीक्षा दिनांक, परीक्षा केंद्र, परीक्षा पाली, शिफ्ट में परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है तो उच्च न्यायालय पर ये आपको प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपके मेंस के पेपर की। तो मेंस में आपका पेपर नहीं होना, स्किल टेस्ट होना। स्किल टेस्ट में सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, जो आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 में कोर्ट मैनेजर स्टाफ वाली जो आपकी पोस्ट है उनका आप देख लीजिए। हिंदी स्टेनोग्राफी डिक्टेशन रहेगा 400 शब्दों का, वर्ड आपके यहाँ पर 400 अप्रॉक्सीमेट रहेंगे, प्लस ट्रांसक्रिप्शन या फिर टाइपिंग रहेगी। जो ट्रांसक्रिप्शन टाइपिंग का मतलब दोस्तों यहाँ पर 100 का ही रहेगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर 5 मिनट में आपको 400 शब्द बोले जाएंगे। 400 शब्द बोलने का मतलब है दोस्तों यहाँ पर आपको 5 मिनट में आपको शॉर्ट हैंड में डिक्टेशन लिखना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 35 मिनट दिया जाएगा, टोटल 30 मिनट में आपको ये 400 शब्द आपको यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन करके टाइप भी करना है। तो ध्यान रखें, आपको यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन टाइपिंग आपको यहाँ पर करना पड़ेगी। आपको ओवरऑल 35 मिनट दिए जाएंगे। असिस्टेंट ग्रेड 3 की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हिंदी की जो टाइपिंग रहेगी 35 वर्ड प्रति मिनट की गति से आपको अप्रॉक्सीमेट में रहेगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे 30। 35 की आपको टाइपिंग करना है, मतलब कि दोस्तों यहाँ पर 10 मिनट में आपको 350 शब्द टाइप करने होंगे। जो आपका CBCT बेसिस का एग्ज़ाम होता है उसी के समथिंग दोस्तों यहाँ पर सेम आपका पेपर रहेगा। डेस्कटॉप पर आपको यहाँ पर जो मैटर है वो दिखाई दिया जाएगा, नीचे आपको उसको टाइप करना है, टाइप करना है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट डिक्टेशन टाइपिंग होगी 400 वर्ड की अप्रॉक्सीमेट में। 400 शब्द आपको बोले जाएंगे, जिसका यहाँ पर मार्क्स दिए गए हैं आपको 70। ऐसे कुल मिला के यहाँ पर 100 का रहेगा। 10-10 मिनट दोनों के लिए दिए जाएंगे। 10 मिनट में आपको 350 शब्द लिखना है और 10 मिनट में आपको 400 शब्द बोल कर भी आपको यहाँ पर लिखना है। आपको साउंड के माध्यम से यहाँ पर सुनाई दिया जाएगा और आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर असिस्टेंट ग्रेड 3 में इंग्लिश नोइंग की बात करें तो आपका यहाँ पर जैसा इंग्लिश का डिक्टेशन होगा वो आपको 400 शब्द का रहेगा, वो आपको यहाँ पर 5 मिनट में लिखना है और 30 मिनट में आपको उसका ट्रांसलेशन करके टाइपिंग भी करना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे, ये तो आपका सिलेबस का हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर बाकी में, तो मुख्य परीक्षा कंप्यूटर पर आयोजित की जाएगी। आपको यहाँ पर कोई भी टाइपराइटर नहीं दिया जाएगा, आपको यहाँ पर कंप्यूटर भी आपकी टाइपिंग होगी। इसके लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को पृथक से एक कंप्यूटर कीबोर्ड सहित प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थी को अपना कंप्यूटर या कीबोर्ड लाने की अनुमति नहीं रहेगी। ध्यान रखें, आपको अपना कोई भी कीबोर्ड नहीं ले जाने को दिया जाएगा, ना ही आपका यहाँ पर कंप्यूटर। समस्त अभ्यर्थियों के टाइपिंग रेमटन गेल या जिसको हम मंगल फॉन्ट कहते हैं शॉर्ट में, मंगल फॉन्ट पर ही आपकी यहाँ पर टाइपिंग की जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे कैसे कैसे क्या क्या रहेगा, तो वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। सहायक ग्रेड 2 की बात करें स्टेनो में, तो सिग लेखक 2-3 और यहाँ पर कोर्ट स्टाफ मैनेजर की जो मुख्य परीक्षा होगी 5 मिनट में लगभग 400 शब्द का हिंदी डिक्टेशन दिया जाएगा, जिसका अनुलेखन मतलब कि ट्रांसलेशन आपको लिखना है। फिर इसके बाद 30 मिनट का समय दिया जाएगा डिक्टेशन के अनुलेखन को कंप्यूटर में टाइप करने का, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर हम बात करेंगे आपके मूल डिक्टेशन के दौरान, ध्यान रखें दोस्तों इस चीज़ का बहुत बेहतर तरीके से इन्होंने इसको बताया है कि आपको यहाँ पर क्या करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको जो दिया गया है इसमें आपको सभी जानकारी दी गई है, इसको आप जरूर पढ़िए। हम आपको यहाँ पर पढ़ के दिखा देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, मूल डिक्टेशन के दौरान पश्चात, दौरान मतलब चलते हुए और पश्चात, अभ्यर्थी को आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। मुख्य परीक्षा में डिक्टेशन नोट करने हेतु नोटबुक अलग से पृथक से प्रदान की जाएगी। उपरोक्त नोटबुक में डिक्टेशन लॉन्ग हैंड का मतलब दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आपको कोई चीज़ बोली गई है तो आपको यहाँ पर शॉर्ट हैंड में ही लिखना है, लॉन्ग हैंड में आपको नहीं लिखना, मतलब सीधा सीधा टाइप नहीं करना है, नहीं लिखना है, अदरवाइज आपके संपूर्ण अंक काट दिए जाएंगे। तो डिक्टेशन ही आपको यहाँ पर लिखना है शॉर्ट हैंड में, आपको लॉन्ग हैंड में नहीं लिखना है, मतलब पूरे शब्द नहीं लिखना है। यदि आप गलती से भी इनको लिखते हैं तो आपको पूरे अंक आपके यहाँ पर काट दिए जाएंगे। सहायक ग्रेड 3 की मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों को 10 मिनट में लगभग 350 शब्दों का, तो दोस्तों 10 मिनट में आपको 350 वर्ड हिंदी टाइपिंग मैटर टाइप करना होगा, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, सामने आपको रहेगा। तत्पश्चात अभ्यर्थी को हिंदी डायरेक्ट डिक्टेशन दिया जाएगा, उसके बाद जो कि 400 शब्दों का होगा। 400 शब्दों में दोस्तों यहाँ पर आपके लिए
सुनकर आपको सीधे कंप्यूटर पर टाइप करना है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश नोइंग का भी आपको सेम दिया गया है, और यहाँ पर हम बात करेंगे आपके टाइपिंग डिक्टेशन के नीचे आप जरा से आएंगे तो आपको यहाँ पर बाकी भी दिया गया है जो ब्लैक लेटर्स में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, नोट में ही दिया गया है ये चीज़ कि अभ्यर्थी इस तथ्य का विशेष ध्यान दें कि उक्त किसी भी पद की मुख्य परीक्षा में हिंदी अंग्रेजी डिक्टेशन व हिंदी डायरेक्ट डिक्टेशन के दौरान शोर मचाने वाले अथवा अनुलेखन टाइपिंग में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करने वाले अथवा अनावश्यक वाद विवाद करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष से बाहर कर दिया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थता निरस्त कर दी जाएगी। साथ ही इसको भी देखें, साथ ही भविष्य में आयोजित होने वाली परीक्षा में उन्हें सम्मिलित करने से प्रतिबंध किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये कोर्ट का मामला, कोर्ट के मामले में यदि आप व्यवधान डालते हैं तो आपको यहाँ पर दिया जाएगा दंड। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कैसे होना है। तो उत्तर पुस्तिकाएं मूल्यांकन के संबंध में मूल्यांकनकर्ता वरिष्ठ मूल्यांकनकर्ता के द्वारा दिए गए अंक ही अंतिम होंगे, इसके विरुद्ध कोई भी अभ्यावेदन विचार में नहीं लाया जाएगा। बिना नस्तीबद्ध के आपको यहाँ पर नस्तीबद्ध कर दिया जाएगा बिना विचार के। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट में, तो सीख लेखक में आपको जो काउंसलिंग होगी या फिर जो आपकी काउंटिंग होगी नंबरों की, ग्रेड टू ग्रेड थ्री कोर्ट स्टाफ मैनेजर एवं सहायक ग्रेड तीन की, इंग्लिश नोइंग की, मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन है प्रत्येक त्रुटि, ध्यान रखें आपका माइनस मार्किंग यहाँ पर रहेगा। त्रुटि का मतलब दोस्तों यहाँ पर गलती, जैसे कि गलत शब्द, गलत वर्तनी, गलत स्पेलिंग या गलत वर्तनी, गलत स्पेलिंग त्रुटि, शब्द छूट जाने एवं विराम चिन्ह। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे कैंडिडेट का कहना है कि वहाँ पर विराम चिन्ह बोले जाएंगे, तो वहाँ पर विराम चिन्ह आपको बोले जाएंगे, चाहे आपका फुल स्टॉप हो, पूर्ण विराम हो, अल्पविराम हो, कॉमा हो, पैरा हो, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर बोली जाएंगी, जिसका दोस्तों यहाँ पर 1/2 मतलब कि एक गलती का आधा अंक काट लिया जाएगा। अभ्यर्थी इस तथ्य का विशेष ध्यान दें, उत्तर पुस्तिका को मूल्यांकन के समय यदि किसी अभ्यर्थी की 120 से अधिक त्रुटियाँ पाई जाती हैं तो उसकी उत्तर पुस्तिका बिना चेक किए ही यहाँ पर शून्य करार दिया जाएगा। मतलब 120 गलतियों में मतलब 60 अंक काट दिए गए तो आप वैसे ही फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपको 40 से 45 अंक आपको पास करने के लिए चाहिए ही पड़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखें, 120 गलतियाँ यदि आपकी होती हैं तो आपको यहाँ पर आपकी जो परीक्षा है वो निरस्त कर दी जाएगी। 120 गलतियों पे 60 अंक आपके कट जाएंगे तो फिर यहाँ पर मेरिट में आने का कोई चांसेस नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कि आप बैक स्पेस का यहाँ पर आपको माइनस मार्किंग रहेगी, तो बैक स्पेस की कोई भी माइनस मार्किंग आपकी नहीं होने वाली है, आप कितने भी बैक स्पेस ले सकते हैं, आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम नेक्स्ट में बात करेंगे सहायक ग्रेड तीन की मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन त्रुटि, जैसे वर्तनी, छूटे गए शब्द, विराम चिन्हों की त्रुटि, अंक काट दिया जाएगा, वो भी आपका सेम रहेगा। अभ्यर्थी इस तथ्य का विशेष ध्यान रखें कि टाइपिंग की उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन के समय यदि 36 एवं डायरेक्ट डिक्टेशन की उत्तर पुस्तिका में मूल्यांकन के समय किसी भी अभ्यर्थी की 84 त्रुटियां पाई जाती हैं तो आपको शून्य दिया जाएगा। मतलब वही कहलाना दोस्तों यहां पर 120 यदि आपकी गलतियां होती हैं तो आपका यहां पर जीरो करार आपको दिया जाएगा। अब दोस्तों यहां पर थोड़ा सा और देखते हैं, बाकी तो यहां पर कंप्लीट हो गया है। उपरोक्त सभी पदों की मुख्य परीक्षा में किसी भी अभ्यर्थी को कुल अंकों के 50% से कम प्राप्त अंक होने पर चयन हेतु विचार नहीं किया जाएगा। मैंने आपको पहले बोला है कि 50% तो दोस्तों यहाँ पर आपको पास होने के लिए विचार किया जाएगा। न्यूनतम अंक के संबंध में कोई भी आवेदन अथवा अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, संक्षिप्तता निरस्त कर दी जाएगी। मुख्य परीक्षा का परिणाम जो कि है वो आप यहाँ पर देखेंगे, मुख्य परीक्षा का परिणाम भी देख लेते हैं। तो परीक्षा दो ग्रेड टू ग्रेड थ्री ग्रेड स्टाफ मैनेजर का परीक्षा परिणाम, अभ्यर्थी द्वारा दी गई वरीयता, उक्त पदों की हेतु शैक्षणिक तकनीकी योग्यता के अध्ययन बनाया जाएगा। अन्य पदों की मुख्य परीक्षा के परिणाम अभ्यर्थियों के प्राप्त अंकों के श्रेणीवार मेरिट के आधार पर बनाया जाएगा। समान अंक होने की दशा में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। अंतिम चयन सूची न्यायालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। तो दोस्तों ये पूरा नोटिफिकेशन रहा जिसमें आप नोट चेकआउट कर सकते हैं। परीक्षा के किसी भी स्तर पर मूल्यांकन हेतु आवेदन कर कोई प्रावधान नहीं है, अथा आपको यहाँ पर मतलब दोस्तों यहाँ पर आप सोचें कि आप RTI लगा के या फिर आप रिवैल्यूएशन करा के ऐसा कुछ करा सकते हैं, तो पुनर्मूल्यांकन आपका नहीं होगा और प्राप्त आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अभ्यर्थियों को
सूची में अभ्यर्थियों का नाम सम्मिलित किए जाने हेतु नियुक्ति हेतु कोई भी अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अभ्यर्थी की योग्यता संबंधित दस्तावेज पृष्ठभूमि की जाँच करेगा। पश्चात समाधान नहीं हो जाता है तब तक आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं चयन सूची अथवा न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित होने के साथ बाद ही यदि कोई कंप्यूटर त्रुटि, लिपि की त्रुटि, अन्य कोई सर्वर त्रुटि ध्यान में आती है तो उच्च न्यायालय परिणाम सुधारने के अधिकार को सुरक्षित रखता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर वेटिंग का रहा तो पूरा दोस्तों नोटिफिकेशन ये रहा। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके मन में कोई डाउट होता है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे दोस्तों यहाँ पर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं @JDComputer। यहाँ भी मैं गवर्नमेंट जॉब संबंधित, डेली करंट अफेयर संबंधित, डेली न्यूज संबंधित सभी प्रकार की जानकारी यहाँ भी अपडेटेड करता रहता हूँ। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद।